पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में शहीदों को एक युवती के साथ छेड़छाड़ करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने गुरुवार दोपहर पुलिस को एक तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें कहा गया था वह बैंक से अपना काम निपटा वापस घर लौट रही थी। इस दौरान कल्याणपुर नौगावा गांव निवासी तीन शहदे प्रदीप, अभिषेक और निखिल ने उसे रास्ते में गलत नियत से दबोच लिया, जिसके बाद आरोपी पास में गन्ने के खेत में युवती को खींच कर ले गए, जहां उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं। युवती के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। यहां शोधों के चंगुल से किसी तरह छूटकर अपने घर पहुंची युवती ने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद घटना की तहरीर गजरौला थाना पुलिस को दी गई। आरोप है कि गुरुवार को सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में पुलिस कार्रवाई को लेकर पीड़ित पक्ष को टरकाती रही, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद दबाव में आकर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें पुलिस ने तीनों शहीदों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं घटना को लेकर एसपी दिनेश कुमार पी का कहना है कि युवती की शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए तीनों शहीदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गजरौला थाना अंतर्गत एक लड़की को तीन लड़के मारते हुए खींचते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। ये शिकायत लड़की के द्वारा थाने की महिला हेल्प डेस्क में दिया गया था। तत्काल प्रभाव से एसएचओ गजरौला के द्वारा उसको गंभीर रूप से संज्ञान लेते हुए उसको तत्काल उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ली गई और तीनों आरोपी तुरंत ही गिरफ्तार हो गए हैं। आज वो न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।